तो जनाब देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ऑफर का लाभ उठाइए और हम जल्द आएंगे आपको देने सिलेक्शन की मुबारकबाद। अब हर ओर होगा जश्न कामयाबी का शोर, क्योंकि टेस्ट बुक लेकर आया है अप टू 90% ऑफ वंस मोर। जी हाँ, इस 20, 21 और 22 अप्रैल को टेस्ट बुक लेकर आया है सभी सुपर कोचिंग जैसे SSC, बैंकिंग, टीचिंग, इंजीनियरिंग, UPSC एंड स्टेट PSC पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो जनाब देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ऑफर का लाभ उठाइए और हम जल्द आएंगे आपको देने सिलेक्शन की मुबारकबाद। हेलो, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टेस्टबुक के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज प्रियंका और आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2 के अकाउंटिंग का हमारा चल रहा है टॉपिक, जहां पर आज मैं आपको कॉस्टिंग के टेक्निक कराने वाली हूँ। कॉस्टिंग का टेक्निक क्या होता है ये हम लोग आज की क्लास में स्टडी करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। हम लोग सबसे पहले आप ये समझिएगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। आपको पता है अकाउंटिंग, जब भी हम लोग अकाउंटिंग वर्ड यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वर्ड क्या आता है, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है ना। जब भी हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग के और भी ब्रांचेस हैं। अगर हम लोग ब्रांच के बारे में बात करें तो अकाउंट के ब्रॉडली दो ब्रांच है, फाइनेंशियली और आपका मैनेजमेंट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही आपका एक कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट आता है। ये तीनों के जो आपके काम है ना अकाउंटिंग के, ये अलग अलग है। अकाउंटिंग का मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको आप क्या कर रहे हो कि रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी रिलेटेड टू फाइनेंशियल चीजें होती है, जो भी एसेट्स हो गया, जो भी लाइबिलिटीज हो गया, जो भी पैसे का लेन देन हो गया, वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है ये आपकी इफिशियंसी को चेक करता है कि हाँ भाई कितने इफिशियंटली आप लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। अकाउंटिंग जो है वहां पर जो भी इंटरनली चीजें हो रही है वो कितने इफिशियंटली हो रही है, सारे कुछ सही से हो रहे हैं, किंतु उसमें आपका मैनेजमेंट अकाउंट में ये सारी चीजें जो होती है रिकॉर्ड होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आता है, एकदम शॉर्ट में मैं आपको खाली मीनिंग बता रही हूँ अभी तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आता है वो आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है ना कि अब देखो कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। पहले तो ये बात को ध्यान में रखना कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सब पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड टू इफिशियंसी ऑफ अकाउंटिंग। अब हम क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंट में तो हम नॉर्मली लिख रहे हैं कि अपने पास कितने का एसेट्स है, कितने का लाइबिलिटीज है, लेकिन एक्चुअली में हमारे को कितना, हमारा किस चीज में कितना खर्चा हो रहा है, कहां पर हमारा नुकसान हो रहा है, कहां पर हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है, ये हमें नहीं पता चलता है। आपको पता होता है कि कोई भी वस्तु को बनाते हैं, जब हम लोग कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो उस पर एक लागत होती है ना, जो एक आपका कॉस्ट लगता है। तो उसकी जो स्टडी जब हम लोग करते हैं ना कि हाँ भाई एक वस्तु को बनाने में खर्च कितना होता है, या फिर एक वस्तु में कितनी चीजें लग रही है, क्या इन्वेंट्री है, क्या ओवरहेड है, क्या फिक्स्ड है, क्या वेरिएबल है, ये सब चीजें जो होती है रिलेटेड किससे होती है, आपके कॉस्ट से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली क्या होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ये फॉर्म ऑफ आपका मैनेजेरियल अकाउंटिंग है। इसका जो मेन काम है ना कि आप जो भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कोई भी एक वस्तु बना रहे हो, आप पेन ही क्यों ना बना रहे हो, या फिर आप ये माउस ही क्यों ना बना रहे हो, तो इसको बनाने में आपका कहां कहां पर कैसे कैसे क्या क्या खर्चा लग रहा है। कुछ ऐसे भी खर्चे होंगे जो कि अनवांटेड होंगे, जो जरूरत नहीं थी उस जगह पर, फिर भी वो खर्चा आपने किया, ठीक है। तो ये सब जो चीजें होती है ना कि एक वस्तु को बनाने में कहां कितना खर्चा कैसे क्या लग रहा है, ये सारा चीज का जो रिकॉर्ड होता है ना वो हम लोग कहां पर रखते हैं, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिलेशन होता है स्पेशली वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से होता है, कि किसी भी वस्तु को बनाने में, प्रोड्यूस करने में जो भी हमारा कॉस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है यहां तक? तो जब भी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऑलवेज यहाँ पर दो तरीके की चीजें होती है। एक तो या तो आपका फिक्स होता है ना, या तो एक वेरिएबल। इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक मैं लेती हूँ कि यहाँ पर मेरे हाथ में पेन है ना, ये मेरे हाथ में पेन है, सभी लोगों को ये मेरे हाथ में पेन दिख रहा है। अब ये जो पेन है ये कोई ना कोई तो वस्तु ही है ना। अब इस पेन को बनाने में मेरा क्या क्या खर्चा हुआ, जरा आप मेरे को बताओगे कि इस पेन को बनाने में मेरा क्या क्या खर्चा हुआ होगा। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सब लेट से आ रहे हो, चलिएगा। तो इसको बनाने में मेरा कितना खर्चा हुआ होगा, क्या मुझे आप बता सकते हो, जल्दी से मुझे बता दीजिए।
हाँ जी, इस पेन को बनाने में मेरा क्या क्या खर्चा हुआ। अगर आप मोटा मोटी देखोगे ऊपर ऊपर, तो इस पेन को बनाने में आप बोल सकते हो कि मैम हमारा इंक खर्चा हुआ होगा, हमारा कॉटन यहाँ पर लगा होगा, या फिर यहाँ पर हमारा नीब लगा होगा, या प्लास्टिक की ही खर्ची हुई होगी, है ना। ये सब आपको दिख रहा है। हाँ, इंक देखो, सबसे पहले आंसर भी आया इंक, ठीक है, इंक हो गया, कॉटन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपका खर्चा हुआ जो कि आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये तो हमारा खर्चा हुआ है, क्या इसके अलावा और कुछ खर्चा नहीं हुआ है? हाँ, रिफिल, इंक, कैप, ढक्कन, प्लास्टिक, कॉटन, बिल्कुल। तो ये तो आपको दिख रहा है, तो आपने बता दिया, इसके अलावा क्या इसको बनाने में कुछ और खर्चा नहीं हुआ है, बताइएगा। इसको बनाने में हमारा मशीन भी तो लगा होगा ना जी, हमारा बिल्डिंग भी तो लगा होगा, है ना। हवा में थोड़ी बनाए होंगे कि ऐसे हवा में बैठे और बना दिया, कोई ना कोई जमीन, कोई ना कोई हमारा लैंड होगा, या तो कोई हमारा बिल्डिंग होगा, कोई हमारा मशीन होगा, किसी लेबर ने बनाया होगा, बनाने में इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च हुई होगी। तो ये सब चीजें होती है, यानी किसी भी चीज को अगर आप बनाते हो तो उसका रॉ मटेरियल तो आपका लगता ही है, उसके अलावा ये लैंड, बिल्डिंग, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी खर्च होती है। अगर मैं इस मोबाइल के बारे में बात करूं तो ये मोबाइल में भी आपका खर्चा हुआ, आपका कैमरा लगा, स्क्रीन लगा, लेंस लगा, स्पीकर लगा, मदरबोर्ड लगा, ये सब भी तो इसमें खर्चा हुआ, तो ये तो रॉ मटेरियल हो गया। इसके अलावा इसमें भी आपका बिल्डिंग भी लगा, लैंड भी लगा, लेबर भी लगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु अगर आप बना रहे हो ना, तो उसमें आपके दो तरीके के खर्चे जो है वो 100% आपके होते हैं। एक आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आपकी फिक्स होती है, इस चीज को समझिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब कि जो भी अगर आप एक बना रहे हो चाहे 10 बना रहे हो, वो जो खर्चा है वो एज इट इज आपका रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लैंड हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आ गया, उसके बाद आपका बिल्डिंग जो है ये भी हमारा फिक्स्ड में आ गया, यहाँ पर उसके बाद हमारा जो मशीन है वो भी फिक्स्ड में आ गया, और वेरिएबल में क्या आया? वेरिएबल में आप बोलोगे मैम इंक हो गया, कॉटन हो गया, नीब हो गया। अगर मैं इसको एक वर्ड बोल दूं तो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल, ये किस में आता है? ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट में आता है। इलेक्ट्रिसिटी किस में जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट में जाएगी। इसका मतलब कि जितना ज्यादा आप आउटपुट करोगे उतना ज्यादा आपका वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, ठीक है ना। आपका अगर 100 पेन बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी 100 के हिसाब से लगेगा, अगर एक पेन बना रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसके हिसाब से लगेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो होता है ये आपका फिक्स होता है। तो ये दो चीज हमारे को क्या करनी पड़ती है कि आप जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो ये दो चीज तो हमारी होती ही होती है। एक मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड, और ओवरहेड किस में जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में या वेरिएबल कॉस्ट में? जल्दी से मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। ओवरहेड जो है ये किस में जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में जाएगा या वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। हाँ, लेबर, इंप्लॉय, एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो, ठीक है ना। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा आ जाएगा, लैंड रेंट भी आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, ये सब चीजें हमारी आ जाएगी। तो ये हो गया आपका कॉस्ट। अब यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग को हम लोग और डिटेल से समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। ये आपका एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन किस पर होता है, ये आपका कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर होते हैं, या एक आपकी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को बनाने में क्या हमारा कॉस्ट लग रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग अलग, जैसे कि किसी भी चीज का अगर कॉस्टिंग आपको पता करना है तो एक ऐसा ही मेथड नहीं है कि हाँ आपको मेथड से पता कर लिया, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड दिए गए हैं कि कैसे किसी चीज का आप कॉस्टिंग जो होगा वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग एंड हैज बीन डेवलप्ड ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या था आपका लिमिटेशन था कि उसमें जो भी आपका सेल्फ परचेस, एसेट्स, लायबिलिटीज है, वो सारी चीजें आपका आ रहा है, तो वहां पर उसके लिमिटेशन के कारण से ही आपके दूसरे ब्रांच ऑफ अकाउंट्स ओपन हुए, जहां पर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो ओपन हुआ आपका, ठीक है। तो आपका जो लागत लेखांकन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट को हम लोग लागत बोलते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि कॉस्ट और प्राइस जो होता है ना वो सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉस्ट अलग होता है, प्राइस अलग होता है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज हमारी कितने रुपए में बन रही है वो हमारा कॉस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा पेन है, ये या मार्कर है, या पेन ही समझ लो, ठीक है। तो ये पेन मार्केट में कितने का आया है, मार्केट में ये पेन 10 रुपए का है, तो ये 10 रुपया क्या है, इसका प्राइस है।
लेकिन एक्चुअली में बना थोड़ी ना 10 में होगा, ये बना आपका मान लीजिए कि 5 या 6 रुपए में बना होगा, इस पर आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, इस पर उसने अपना प्रॉफिट को फिक्स किया, ये सब करके तब जाके वो 10 में अपना बेच रहा है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को बनाने में जो खर्च हो रहा है उसको लागत बोलते हैं, और जिस वस्तु पर सामान को बेचते हैं उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं, ये दोनों में आपका डिफरेंस होता है, ठीक है ना। हाँ, वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएगा। ओवरहेड क्या होता है मैंने पूछा था, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, पर यूनिट इफेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, गुड इवनिंग, और इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है बिल्कुल, और वेरिएबल कॉस्ट होता है। ओवरहेड का मतलब तो मुझे किसी ने नहीं बताया, ये तो बिल्कुल सही है कि वो वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा, लेकिन ओवरहेड का मतलब क्या होता है वो तो बता दो, ठीक है। चलिएगा तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया, इसका फीचर्स क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, ये एक प्रोसेस होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ना, ये आपका एक पूरा प्रोसेस है जहां पर एक वस्तु के प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो भी चीजें लग रही है उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसमें आपका इनकम को भी रिकॉर्ड करते हैं, इसमें आपके एक्सपेंडिचर को भी रिकॉर्ड करते हैं कि एक वस्तु को बनाने में आपका कितना खर्चा हो रहा है और उस वस्तु को बेचने में आपका कितना इनकम हो रहा है। इसमें एक हमारा जो होता है डेटा भी हमारा यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जिसके बेस पर हम लोग फ्यूचर की चीजों को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा जो फीचर्स होता है कि हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु हमारी बनी कितने में है, है ना। तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम लोग कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप बताना कि आपका कोई एक पेन है, है ना, पेन का भी टीवी में एड आता है, या फिर आप सोप का तो एड सभी लोगों ने टीवी पर देखा है, तो सोप आप लोग देखते हो, तो सोप बनता कितने में, मान लो कि 10 रुपए 15 रुपए में सोप बन गया। अब जो है सोनाली बेंद्रे जी लक्स साबुन से नहा रही है, बचपन में मैंने ऐड देखा था, ठीक है, मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। तो अब सोनाली बेंद्रे जी जो लक्स साबुन लगा रही हैं, क्या उन्होंने इसके लिए पैसा नहीं लिया होगा, बिल्कुल इसके लिए पैसा लिया होगा। तो ये 10-15 रुपए का उन्होंने मान लीजिए कि 10 लाख रुपया भी लिया, तो ये 10 लाख रुपया जो है कंपनी थोड़ी अपने पॉकेट से देगा, इसका तो पैसा हम पे ही चार्ज किया जाएगा ना। जो साबुन आपका 15 का मिल रहा था, क्योंकि सोनाली बेंद्रे जी ने उसका ऐड किया और सोनाली बेंद्रे जी ने उसका 10 लाख रुपया चार्ज किया उस ऐड को करने का, तो अब ये 15 वाला साबुन हमारे लिए 17 रुपया हो गया। यानी कि जो भी कॉस्ट पर, जो भी आपका खर्चा होता है कॉस्टिंग पर, उसका इनडायरेक्टली अफेक्ट या डायरेक्टली अफेक्ट तो हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि आप अनवांटेड खर्चा कहाँ पे कर रहे हो। कि अगर हम ये 10 लाख रुपया सोनाली बेंद्रे जी को ना देकर अगर हम क्वालिटी में देते, या हम सोनाली बेंद्रे को ना रखकर किसी और स्टार को रखते, तो शायद वो कम, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है कि कहीं से भी आप कुछ भी जो कॉस्ट को क्या करना, असर्टेन करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, बजट और स्टैंडर्ड बनाते हैं। कोई भी सामान जब बनाना शुरू करते हैं ना, तो पहले अपना पॉकेट देखते हैं कि हमारी क्षमता क्या है। अगर आज के डेट में मेरा ही बिजनेस करने का मन है, ठीक है ना, फ्रेंकली मेरा मन है कि मैं बिजनेस करूं आगे चलकर, तो अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी ना कि मैं कार का बिजनेस करूंगी, है ना, मैं एक टाटा कंपनी खोल दूंगी, मैं अपना जो है स्टील प्लांट खोल दूंगी, नहीं ना। पहले तो मुझे अपना देखना होगा ना कि मेरा बजट क्या है, है ना, मेरे पास कितना पैसा, उसके हिसाब से मैं बिजनेस करूंगी। तो भाई मैं बोलूंगी कि मैं कोचिंग ओपन करूंगी, अगर मान लीजिए मुझे यही करना रहा, तो जब मैं कोचिंग ओपन करूंगी तो उसमें क्या खर्चा है, कुछ नहीं। एक रूम मैंने रेंट पे लिया, 10,000 रुपए लिया, 10,000 का बेंच टेबल कुर्सी डाला, एक एसी डाला और पढ़ाना शुरू कर दिया, एसी भी कंपलसरी नहीं है, तो कुछ खर्चा नहीं है। तो कभी भी आप कुछ भी कॉस्ट करते हैं तो वो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बजट या स्टैंडर्ड जो होता है वो आपको बनाना पड़ता है, फिर उसको कंपेयर हम लोग करते हैं। तो कॉस्ट का जो अकाउंटिंग का जो साइकिल होता है, साइकिल को पहले देख लीजिएगा। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग को समझना जरूरी है, उसके अंदर जितना टेक्निक है उसके बाद तो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, और कुछ टेक्निक अगर छूट भी जाता है तो टेंशन आप मत लेना कि मैम हम लोग आज ये टेक्निक नहीं पढ़ पाए, उसका मैं शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका किसी भी चीज में जो कॉस्ट लगता है उसका डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद डेटा को क्लासिफाइड करते हैं कि कौन आपका फिक्स है, कौन सा आपका ओवरहेड का है, कौन सा वेरिएबल का, उसको क्लासिफाई किया, जो जिस जगह पे है उसको उस जगह पे ट्रांसफर किया। फिर हम लोग टोटल कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं कि भैया इसको बनाने में टोटल कॉस्ट हमारा कितना हुआ। उसके बाद हम लोग यूनिट कॉस्ट, एक तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग टोटल कॉस्ट को भी फाइंड आउट करते हैं और पर यूनिट कॉस्ट भी आपका फाइंड आउट करते हैं। यानी कि अगर आप एक वस्तु बना रहे हो, आप सिंपल सी बात सुनो कि आप एक पेन बना रहे हो तो आपको 10 रुपया लग रहा है, तो ये क्या हो गया आपका पर यूनिट कॉस्ट हो गया।
लेकिन अगर वहीं पर आप 100 पेन बना रहे हो तो 100 पेन के हिसाब से आपका 1,000 रुपया लगा, तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। तो टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, ये दोनों को आप रिकॉर्ड को मेजर करते हो, ये आपके लिए हेल्प होता है। उसके बाद बनाने में खर्च कितना हुआ और आप सेल कितना में कर रहे हो, तो सेलिंग प्राइस, और उसके बाद जो भी आपको कंट्रोल करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, वो आप क्या करोगे, एंड में करोगे। तो याद रखना, कॉस्ट कंट्रोल आपका लास्ट में आएगा और सबसे लास्ट में आपका डिसीजन मेकिंग आएगा। अगर कुछ वहां पे चेंजेस करना है तो चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओवरहेड का मतलब अदर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, सप्लाई। ओके ओके ओके। नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वेरी गुड निकी, चलिएगा, पता है सभी को, लगभग सभी को पता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेखांकन क्या है, यह एक प्रक्रिया है, लेखांकन अकाउंटिंग जो प्रक्रिया है, जहां पर जितने भी आय और व्यय होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी कोटेशन प्रस्तुत किए जाते हैं उनके आधार पर भविष्य में क्या होगा उसका अनुमान लगाया जाता है, लागत को नियंत्रण किया जाता है, लागत का निर्धारण किया जाता है। अगर मैं ये पेन आज के डेट में 10 रुपए में बेच रही हूँ, तो ये 10 रुपए में मैं कैसे बेच पा रही हूँ, पहले मुझे पता तो होना चाहिए ना कि ये बना कितना में, तो ये बना कितना में ये करने के लिए मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या करना होगा कि मेंटेन यहाँ पर करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर, और वंस अगेन टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमर्स के रेगुलर जो क्लासेस है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं रेगुलर 8 PM पर, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको पेपर 1, पेपर 2, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, सारी कुछ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगे, जो भी आपके एजुकेशन के लिए कंपलसरी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बेस्ट सुपर टीचर्स के द्वारा। अभी चल रहा है हमारा सेल मुबारक सेल, है ना, सिलेक्शन मुबारक सेल, जहां पर आपका 9 महीने के सब्सक्रिप्शन लेने पर 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जा रही है। कहने का मतलब है कि 9 महीने के सब्सक्रिप्शन लेने पर आपका 4.5 महीना जो है वो बिल्कुल यहाँ पर फ्री है, और इसका अमाउंट जो है सिर्फ 9,299 रुपया। अगर आपको लग रहा है कि 9,299 रुपया अगर ज्यादा है, तो यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन देख लीजिएगा कि 9+4 यानी कि 9 के बाद 10, 11, 12, 13 13.5 महीने के बारे में बात हो रही है। ये 13.5 महीने में आपका जून का एग्जाम भी कवर होगा, दिसंबर का एग्जाम भी कवर होगा, और उसके बाद जो आपका एग्जाम आएगा वो भी ऑलमोस्ट आपका हाफ वो भी कवर हो जाएगा। तो मतलब 3 एग्जाम आपके एक अमाउंट में कवर होंगे। क्या मैम हमें 3 बारी अटेम्प्ट देना पड़ेगा? अब देखिए पेपर हो गया है टफ, अब मैं ये ऐसा नहीं बोल सकती हूँ आपको कि हाँ भी अब तो आराम से पढ़िए, आराम से हो जाएगा, नहीं। पेपर का लेवल कितना टफ हो रहा है वो आप देख रहे हो, और JRF में कितने कम लोगों ने क्वालिफाई किया। इस बार आप लोगों ने ध्यान दिया कि नेट तो फिर भी कितना गया है, नेट मात्र 1300 कुछ बच्चों ने कॉमर्स में नेट क्वालिफाई किया है, और कुछ 100 के आसपास कुछ बच्चों ने JRF क्वालिफाई किया है। तो कॉम्पिटिशन कितना हाई है वो आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके हिसाब से आप कम 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट अपने पास रखो, अगर आपका JRF का टारगेट है तो, और नेट का टारगेट है तो 1 से 2 अटेम्प्ट में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन JRF के लिए 2 अटेम्प्ट तो आप 100% अपने पास रख लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो हर बार नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, JRF क्वालिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि कट ऑफ का एरिया आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, ठीक है। तो आप लोग की इच्छा है, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर बस मेरा कोड आप यूज कर लीजिएगा, PSING H, अगर आपको सही लगे तो ले लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में। अब ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? मार्जिनल का मतलब होता है 1 एडिशनल। मार्जिनल का मतलब होता है 1 एडिशनल, ठीक है। हाँ, मुझे जरा एक बार ये बताइए कि मैं अभी तो 2023 के MCQ करवा रही हूं आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज आप इस टॉपिक के MCQ करना चाहते हैं या फिर 2023 के MCQ करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके हिसाब से आपको 10 बजे वाले क्लास में MCQ मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लीज मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। आइए, तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? 1 एडिशनल। 1 एडिशनल का मतलब क्या हो गया मैम? यानी कि एक अतिरिक्त वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। सपोज कीजिए कि आपने एक कोई आउटपुट बनाया, तो उस पर आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आपका 400 लगा। फिर आपने दूसरा आउटपुट बनाया, उसमें तो टोटल कॉस्ट है आपका, मान लीजिए कि आपका 500 लगा। फिर आपने तीसरा आउटपुट बनाया, उसका जो टोटल कॉस्ट है आपका, मान लीजिए कि वो आपका 700 लगा।
तो ये आपका क्या हो गया, टोटल कॉस्ट जो कि आपका इंक्रीज करते जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मार्जिनल कॉस्ट कितना है, तो जरा मेरे को बताएंगे कि मार्जिनल कॉस्ट कितना है, जरा मुझे निकाल कर बताइए ना। यहां पर 2023 ही करना है ना, ठीक है, देन मैं वीकेंड वाला जो मेरा प्लान है उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन आप लोग वीकेंड पर रिविजन करके आइएगा अच्छे से, ठीक है। उसमें क्या है निक्की ना, मैंने देखा कि जब मैं पढ़ाती हूं ना तो तुरंत तुरंत तो आंसर आप लोग सभी लोग कर देते हो, तो इसलिए जानबूझकर मैंने उसको वीकेंड पे रखा कि ताकि थोड़ा सा धुंधला हो जाए ना, धुंधला होने के बाद आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं वो आपका ज्यादा समझ में आएगा। और उस पर क्या होगा कि जब मैं वीकेंड पे रिविजन कराऊंगी ना, तो आप वीकेंड पे जब एमसीक्यू कराऊंगी ना तो आपका एक बार और रिविजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो टेक्निक को डेवलप किया, ठीक है, कि आप इस एक टॉपिक को कम से कम दो बार, आप खुद रिविजन कितना कर रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको मैं खुद रिविजन करवा दूंगी जब मैं आऊंगी वीकेंड पर एमसीक्यू लेकर, तो फिर आपका ऑटोमेटिक सारा टॉपिक फिर से रिवाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा? हाँ चलिएगा, ठीक है। हाँ मार्जिनल कॉस्ट कितना है जरा बताइए ना मुझे। अच्छा मेरे पीछे छुप गया है, थोड़ा सा मेरे पीछे छुप गया है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये 400 है, 400 के बाद 500 है, 500 के बाद 700 है। वीकेंड का टाइम सेम रहेगा 8 बजे, टाइमिंग कोई चेंज नहीं करूंगी मैं, और आपके लिए एक अच्छा क्लास प्लान कर रहे हैं हम लोग, कुछ देखते हैं कुछ अलग सा कुछ प्लान कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक पे आपको कुछ गुड न्यूज मिलेंगे, 100 और 200। हाँ समझ में आया? तो यहां पर आपका कितना हो गया, 500 में से 400 गया तो ये आपका 100 हो गया, 700 में से 500 गया तो ये 200 हो गया, यानी कि ये आपका 1 से 2, यानी कि एक एडिशनल आउटपुट, पहले आपने एक बनाया फिर दो बनाया फिर तीन बनाया, ठीक है, सबके बीच में 1 का गैप है, यानी एक अतिरिक्त वस्तु जब आपने बनाया तो पहले आपको 100 रुपया लगा, फिर दूसरा जब अतिरिक्त वस्तु आपने बनाया तो आपको 200 रुपया लगा। यही होती है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी कि आप मान लीजिए कि आपको ऑर्डर मिला है 500 पेन का, तो आपने 500 पेन बना दिया, उसका आपको 500 पेन बनाने का जो भी खर्चा हुआ, लेकिन जब आपको और 100 पेन का ऑर्डर मिलता है तो उस 100 पेन को बनाने में आपका कितना खर्चा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, यानी जो भी हमारा एडिशनल कॉस्ट जो होता है वो हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर हमारे प्रॉफिट में या फिर आपका वॉल्यूम पर, प्रॉफिट के वॉल्यूम पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, क्या चेंज पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग वेरी करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, उसके अफेक्ट्स को देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा क्यों, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एक आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो आप मेरे को बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट जो होगा उसका असर किस पर पड़ेगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दो कॉस्ट मेरे पास हैं, तो जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बात करूंगी कि 1 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर हमारा खर्चा कितना हो रहा है, तो ये किस पर अफेक्ट पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट पर या वेरिएबल कॉस्ट पर? यस, फिक्स्ड कॉस्ट पर या वेरिएबल कॉस्ट पर? बिल्कुल, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट पर पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपका फिक्स्ड रहेगा भले आपका आउटपुट जितना भी हो, और इसीलिए हम लोग मार्जिनल जो कॉस्ट होता है ना उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। अब आ जाइए आगे, तो ये क्या है, ये एक टेक्निक है जहां पर हम लोग डिसीजन लेते हैं, यहाँ पर टोटल कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, उसके बाद वहां पर हम लोग 1 फिक्स्ड कॉस्ट होता है और 1 आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर, कोई भी कॉस्टिंग के अंदर आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है और मार्जिनल कॉस्ट होता है, उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उसके अंदर, और उसके बेस पर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है कि एडिशनल कितना कॉस्ट हमारा लग रहा है, जो कि हमें क्या करता है, डिसीजन लेने में हमारे को हेल्प करता है। अगर आपसे मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला पूछेगा, जो अभी मैंने आपसे पूछा कि ये 400 है, ये 500 है, ये 700 है, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, तो ये होता है आपका चेंज इन टोटल कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा था 400, फिर मैंने यहाँ पर रखा 500, यहाँ पे रखा था मैंने 1 यूनिट, यहाँ पे रखा मैंने 2 यूनिट, तो देखिएगा यहाँ पे सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस करते, तो 500 में से 400 गया, यानी टोटल कॉस्ट में हमारा कितना डिफरेंस हुआ, वो यहाँ पे लिखेंगे 100,
और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, क्वांटिटी में हमारा वन ही चेंज हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे वन, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 100। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, याद रहेगा। और मार्जिनल कॉस्ट जो है ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्टिंग। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप लोग समझ गए हो कि मार्जिनल कॉस्ट का जो इफेक्ट होता है वो आपका किस पर पड़ता है। क्लियर है सभी को? वेरी क्लियर है सभी को? चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। इसका फायदा क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग का, क्या कुछ फायदा है? हाँ, बहुत सारा फायदा है। प्राइसिंग डिसीजन में हमको हेल्प करता है कि वस्तु का प्राइस कितना होना चाहिए। देखिएगा जब मार्केट में आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जब मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है तो हमको पता है कि कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया और लेकिन मार्केट जो है ना आपका वो डाउन चल रहा है। मार्केट या तो आपका बहुत डाउन, दो तीन केस है यहाँ पर, या तो मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है या मार्केट एकदम आपका डाउन चल रहा है या डिमांड आपका ना के बराबर है, तो उस समय जो आपका प्रोडक्शन होता है ना वो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन और सेल का काम यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर प्राइसिंग डिसीजन वस्तु का प्राइस क्या होना चाहिए इस ये डिसीजन लेने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। इसमें आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो तो इंक्लूड होता ही है, साथ में हमारा जो चेंज होता है आपका पीरियड टू पीरियड वो भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं आपका डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद ट्रू प्रॉफिट बिजनेस का हमको पता चलता है कि एक्चुअली बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारे पास स्टॉक कितना है फिनिश गुड्स का, हमारे पास WIP कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, हमारा जो मार्जिनल कॉस्टिंग है या जो फिक्स एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट लॉस कितना है, ये सारी जो चीजें है ना WIP का, फिनिश गुड्स का, मार्जिनल कॉस्टिंग का, प्रॉफिट लॉस का, एक्सपेंसेस का, इनकम का, ये सारी चीजें जो है एक्चुअली में जो प्रॉफिट का हमारा ट्रू फिगर है वो हमारा यहाँ से आराम से आपको पता चल जाता है। क्योंकि आप लोग वैसे मान लीजिए कि अब टाटा कंपनी जो है इतनी बड़ी कंपनी है, वो रोज कितना करोड़ कमाती होगी कोई उसका हिसाब किताब नहीं है, तो वो लोग जो होते हैं ना कभी भी अपना जो अकाउंट हो ना वो जो कॉस्टिंग देखते हैं ना वो टोटल कॉस्ट के बेस पर नहीं देखते हैं, वो हमेशा अपना जो अकाउंटिंग होता है वो ऑलवेज आपका मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर देखते हैं, इसके बेस पर वो ऑलवेज डिसीजन लेते हैं। टोटल कॉस्ट के बेस पर डिसीजन लेना क्या होता है, टोटल कॉस्ट में क्या हुआ, कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, तो वहां पर एक्चुअल सिनेरियो मार्केट का पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग करते हो ना तो आपको एक्चुअली में मार्केट का सिनेरियो पता चलता है कि अभी का मार्केट में क्या है, अभी के मार्केट में आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कितना क्या चेंजेस हुआ, पहले 10 रुपए का प्रॉफिट था अभी 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में डायनेमिक चेंजेस आया है, ये जो भी चीजें होती है। तो जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर ही अपने अकाउंटिंग को देखते हैं। क्लियर है? तो ये आपका ट्रू प्रॉफिट जो होता है वो आपको दिखाता है, जो वास्तविक लाभ होता है उसको दिखाता है, और यह तैयार माल, कार्य प्रगति, वर्क इन प्रोग्रेस, निश्चित व्यय, ये सभी चीजों का क्या करता है आपका कि यहाँ पर अकाउंट्स को मेंटेन करता है। इवन ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी यहाँ पर आपको ये भी पता चलता है कि सपोज दैट कि आपको एक एडिशनल वस्तु को बनाने में 10 रुपए का खर्चा हो रहा है और उसको मार्केट में जो बेच रहे हो वो भी आपका 10 रुपया, तो ये पॉइंट क्या हुआ आपका ब्रेक इवन एनालिसिस कि कितना पे हम लोग वस्तु को बेचेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। अभी मान लो कि मैंने पूरा पेन जो है ना, मैंने पूरा 500 पेन यहाँ पर बना के रख दिया, तो अब मेरे पास जो अकाउंट है वो 500 पेन का अकाउंट है, तो मेरा क्या हुआ कि 500 पेन तो बिका नहीं, मैं कुछ पेन यहाँ पर बेच रही हूँ, तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं चल पाएगा कि कितना मैं पेन मेरा जा रहा तो कितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कितना मेरे को लॉस हो रहा है, कितना मिनिमम पर हम पेन को बेच सकते हैं, मार्केट में सब डिमांड ही नहीं है, मेरा पेन बिकी नहीं रहा है, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना कम में अगर आप पेन को बेचेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। तो वहां पर आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि वहां पर एक वस्तु का प्राइस कितना है वो आपको पता चलेगा कि एक वस्तु का लागत कितना है, एक वस्तु का अगर लागत आपको पता चल गया तो उसको उसी प्राइस में क्या करेंगे कि आप सेल कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो आपको हेल्प करता है यहाँ पर, क्या करता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना कहाँ पर कहाँ पे फालतू खर्चा हो रहा, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, व्यय पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में भी क्या करता है, ये हमको मदद करता है किसी विशेष उत्पाद को बंद करना। अभी मान लीजिए कि आपका अभी मैं कोई गई थी मैं कहीं पर, उसने अपना एक ब्रांच को बंद कर दिया, अपना कोई एक गुड्स था उस गुड्स को बंद कर दिया उसने। अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, बड़े लेवल पे छोड़िए, कुछ महीने पहले मैं एक मेला गई थी। मेला में ना अभी एक आपका वो कुल्हड़ वाला चाय, तो आप लोग सभी को पता है उस चाय का नाम क्या था, तंदूरी चाय। हाँ
है ना, वो तंदूरी चाय वो तो आग में सामने में बनाकर वो देते हैं एकदम, क्या उसका नाम था, स्मोकी चाय या तंदूरी चाय कुछ नाम था, वो चाय का ही था लेकिन कुछ अलग यूनिक सा था। तो एक दिन हम लोग गए थे, मिला तो वो हम लोगों ने देखा तो हमारे दिमाग में था कि उसको पीना है, क्योंकि हमारा लेट हो गया था तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि उस दिन नहीं पिए। लेकिन दूसरे दिन हम लोग फिर गए थे मेला स्पेशली वही चाय को पीने के लिए, क्योंकि वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता, उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है, ठीक है ना। वो तुरंत एकदम बना के वो देता है, मुझे एक्चुअली उसका नाम भी याद नहीं आ रहा लेकिन आप लोग समझ गए होंगे अगर देखे होंगे तो। दूसरे दिन जब हम लोग गए ना तो वो स्टॉल वहां से हटा दिया, वो वस्तु को बंद करके, वहां पे अभी स्मोकी बिस्किट वाला चला है ना, स्मोकी उसमें नाइट्रोजन गैस डाल के बिस्किट मुंह में डालते हैं, धुआं निकलता है, बच्चे लोग फोटो खिंचाते हैं, उसका तो स्टॉल लगा दिया। तो मैंने तुरंत पूछा आपसे कि भैया आपका 2 दिन पहले तो चाय का स्टॉल था वो वाला, तो आपने ये क्यों किया। तो उसने बोला कि मैंने उस वस्तु को बनाना बंद कर दिया क्योंकि मेरे को उस पर जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो वहां पर जो भी डिसीजन उसने लिया ये किस बेस पर लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग को बेस पर, कि भैया हम दिन भर में कितना चाय बेच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ये हो रहा है कि एक चाय को बनाने में जो मेरा मेहनत लग रहा है, जो मेरा खर्चा लग रहा है, वो 10 रुपया का लग रहा है और मैं 10 रुपए में ही चाय को बेच भी रहा हूँ, तो कोई प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर। तो उसने क्या किया, उस उत्पाद को बंद कर दिया, ठीक है ना, उस उत्पाद को बंद कर दिया। तो कौन सा वस्तु बनेगा, कौन सा वस्तु बंद होगा, कौन सा डिसकंटिन्यू होगा, या कौन सा आपका कंटिन्यू करना है, कौन सा और नया वस्तु लेकर आना, ये सब डिसीजन जो है आप मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर ले सकते हो। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक्चुअली ये सब काफी डेप्थ वाला चीज है, देखो 2:30 साढ़े 8 इसी में बच गया एक टॉपिक पर, 2 ही टॉपिक अभी तक डिस्कस किया हम लोगों ने, चलिएगा समझते हैं। अभी बेसिक क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट मोड में चलेंगे, आप लोग आराम से समझ जाओगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही आपका वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि उसका इफेक्ट जो होता है आपका उसी एडिशनल पर कितना लग रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका फिक्स ही होता है, उस पर तो कोई इफेक्ट आपका पड़ता ही नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। आ जाइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना बहुत ईजी टर्म है, क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि जब भी हम लोग कोई वस्तु को बनाने के लिए जाते हैं तो हम लोगों ने वहां पर एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि हाँ भैया ये पेन मैं बना रही हूँ, ये पेन को बनाने में मेरा कम से कम जो है 10 रुपये का लागत आएगा, ये मैंने वहां पर फिक्स कर दिया। लेकिन एक्चुअली में ये प्लान, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है पहले वस्तु को बनाने से पहले वाली बात है, ठीक है, कि वस्तु को बनाने से पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर देते कि हाँ भैया 10 रुपया जो है एक चीज को बनाने में लगेगा। लेकिन एक्चुअली में जब वस्तु को बनाना शुरू करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि 10 ही लगे, वो कभी आपका 8 भी लगता है और वो कभी आपका 12 भी लगता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये 10 रुपया जो है ना ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, और ये 8 या 12 है ना ये आपका एक्चुअल कॉस्टिंग है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यह एक आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, जहां पर जितना भी आपका एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस जब भी बोलेगा फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड कीजिएगा, वहां पर ये डिटरमाइंड करता है कि किसी वस्तु को बनाने में कितना खर्च जो आपका है, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होगा वो आपका कितना आएगा। अगर दूसरे लैंग्वेज में मैं बोलूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड अप्लाइंग देम टू मेजर द वेरिएशन फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट, है ना। देखो ये यहाँ पर कीवर्ड है कि आपका एक्चुअल कॉस्ट से कितना आपका वेरिएशन हो रहा है। अब सिंपल सी बात है कि मैंने कोई वस्तु आपका, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना आप लोग, आप यहाँ पर समझो कि मैंने एक पेन के लिए फिक्स किया था कि ये पेन मेरा 10 रुपये में बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने पेन को बनाना शुरू किया तो ये आपका कितना लगा, ये मेरा जो है 10 रुपये के बजाय मेरा जो है यहाँ पर 17 रुपया लग गया इस पेन को बनाने में, यानी कि ये बहुत ज्यादा गैप है, ये गैप आपका 7 का गैप हो गया। तो फिर यानी कि कहीं पर गड़बड़ी मुझसे हुई है। अब जब मैं अपना कॉस्टिंग डिटरमाइंड कर रही हूं तो मुझे तो सब पता है कि रॉ मटेरियल इतने का आएगा, जो मेरा लेबर होगा वो मेरा इतना पैसा लेगा, जो रॉ मटेरियल होगा, जो आपका इन्वेंट्री होगा, उसको रखने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सब तो कुछ मैंने सोच कर ही डिसाइड किया था कि भैया 10 में मेरा पेन जो है मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन 10 के जगह आपका 17 रुपया लग गया, यानी कहीं पर आपने बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है। अब उस मिस्टेक को आपको खोजना पड़ेगा कि भैया 10 का जो मैंने चीज सोचा था वहां पर एक्चुअली मेरे को 17 क्यों लग गया, कहां पर ये मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि 7 रुपए का गैप आ गया। यहाँ पर तो मैं आपको एकदम पिद्दू सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, छोटू सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिजनेस में तो ये बात करोड़ों में होती है ना, 700 करोड़ का गैप आ गया। आप इसको करोड़ में समझो तब आपको समझ में आएगा कि 700 करोड़ का गैप कुछ कम नहीं होता है। एक चीज याद रखना कि अगर ये गैप मान लीजिए कि 10 मैंने सोचा था,
अगर मेरा 11 लगता है या 12 लगता है या 9 लगता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन जब इसका गैप ज्यादा होगा, यानी कहीं पर हमसे गलती हुई है, कुछ यहाँ पर कारण है जिसके कारण से ये वेरिएशन आपका इतना ज्यादा आया, तो अब मेरे को क्या करना होगा, वो कारण को एनालाइज करना होगा कि इस बार मुझसे क्या ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से मेरा एक्चुअली कॉस्टिंग जो है वो 17 रुपया पड़ गया। जब वो गलती का पता लगा लोगे ना, तो अगली बार से जो आपकी चीजें होंगी उसमें क्या हो जाएगा, आपका सुधार हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वह एक टेक्निक है जहां पर स्टैंडर्ड फॉर कॉस्ट और रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो हम लोग वेरियांस की क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। वेरियांस का मतलब क्या होता है कि कितना गैप है, है ना, कितना आपका गैप हो रहा है। वेरियांस कितना वेरी कर रहा है, आपका अमाउंट कितना वेरी कर रहा है, वेरियांस। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानक लागत। तो मानक लागत जो है, मानक जो है लागत लेखांकन की एक प्रणाली है जिसमें कार्य की परिस्थितियों को सेट किया जाता है और उस पर निश्चित और परिवर्तनीय जो भी आपके खर्चे होते हैं उसको विचार किया जाता है। वस्तु में कितनी खर्ची हो रही है, उत्पादन में कितना आपका खर्चा हो सकता है उसको देखना और वास्तविक खर्चा कितना हो रहा उसको मापना और साथ में उसका क्या कारण है, क्या उसमें विविधता है, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, उसका विश्लेषण करना और उन्हें लागू करना ही आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो कहलाता है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी जब भी मैं पढ़ा रही हूं, आप जो भी इसके बारे में जानते हो आप मेरे को मैसेज करते रहो, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, वेरियांस का पता लगाना, बिल्कुल है ना। वेरियांस का पता हम लोग इसमें लगाते हैं, एक वस्तु की लागत में कितना पड़ रहा है वो अगर पता लगाना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल कहां से लाया, हो सकता कि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, जब मैंने पहले सोचा था उससे में दाम कम था, अभी दाम ज्यादा हो गया, ये भी आपका रीजन हो सकता है। आइएगा तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड जो होता है उसको एस्टैब्लिश करते हैं कि ये वस्तु। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में बोल दूं तो बार होता है कि मैंने एक बार सेट कर दिया है कि आपका जो है करीबन, अगर आप नेट के एग्जाम देने जा रहे हैं तो करीबन आपका 300 में जो है ना 200 मार्क्स अगर आपका सही है, ठीक है। अभी 200 के ऊपर तो लाना ही पड़ेगा नेट क्वालिफाई करना है, 200 के नीचे में बात नहीं बनेगा, पहले मैं बता दे रही हूँ। तो मैंने बार सेट कर दिया कि भैया आपको 300 में 200 मार्क्स लेकर आना है, तो ये क्या हो गया कि पहले आपने स्टैंडर्ड को सेट कर दिया, ठीक है, बार सेट कर दिया, फिर डिटरमाइन करोगे एक्चुअल खर्चा कितना हो रहा है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड में क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि भैया ये 10 मैंने टारगेट रखा था, लग गया मेरे को 17, तो कंपैरिजन करेंगे कि 10 से 17 क्यों हुआ, क्या गलती हुई। उसके बाद हम लोग जो इसके कॉजेस है, इसका जो कारण है, ये 7 का जो गैप हमारा आया है उसका कारण हम लोग पता करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी उसका वेरियांस है उसको क्या करेंगे, डिस्पोजिशन करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये आपका फोर्थ स्टेप और ये आपका लास्ट स्टेप। तो ये आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है, इसी टेक्निक में आपको यहाँ पर चलना पड़ता है। क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लियर है, बताइए। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो भी वेरियांस है उसको एनालाइज करना और स्टैंडर्ड को क्या करना कि सेट करना। जो भी हमारा बजट होता है उसको हम लोग सेट करते हैं यहाँ पर, हम अपने बजट के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होता है ये हर कोई करता है, छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो, हर कोई कंपनी पहले अपना बजट बनाता है, उसके बाद ही प्रोडक्शन जो होता है वो स्टार्ट करता है। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले आपके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो आपका जो बजटिंग होता है उसमें से एक होता है जो कि सबसे पहले आपका किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियलिटी होती है, जो भी आपके सब्स्टिट्यूट्स है, एक्चुअल एवरेज यूनिट कॉस्ट जो होता है, या फिर आपका जो भी स्टॉक वहां पर यूज हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आपका वैल्यूएशन आया, वहां पर क्या चेंज हुआ, डिसीजन मेकिंग का जो भी प्लानिंग होता है, ये सब जो चीजें है वहां पर आपका यूज वहां पर किया जाता है। और ये क्या करता है आपका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टाफ को, मैनेजमेंट को मोटिवेट करना, जो बेसिक आपका एस्टिमेट होता है उसको प्रोवाइड करना, साथ में आपका क्या कहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आपका देखना कि भाई दिखा कि मेरा कि रॉ मटेरियल का दाम मेरा इंक्रीज कर गया, तो क्या रॉ मटेरियल जो मैंने परचेस किया उसका दाम इंक्रीज कर गया, जो मैंने का 2 रुपए का था उसका दाम आपका 5 रुपया हो गया, तो क्या कहीं और भी ऐसा ऑप्शन था कि जहां पर 2 रुपए का सामान आपका 3 में आता 5 में ना आकर, तो वो सब आपका एनालाइज वहां पर करना पड़ेगा। इसका फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो ये प्री डिटरमाइंड होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होता है वो ऑलवेज आपका प्री प्लान्ड होता है, ठीक है ना, ऑलवेज आपका जो होता है ये आपका प्री प्लान्ड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, पूर्व निर्धारित आपका होता है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, उसका रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, जो भी रूटीन एस्पेक्ट्स होता है, जो भी ऑपरेशन होता है आपका उसको अप्लाई करते हैं,
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सेट करते हैं, जो भी रिपोर्ट होता है वो हम लोग मैनेजमेंट को भेजते हैं ताकि उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके जो भी आपके नेसेसरी स्टेप है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग पर, हमारा फोर्थ पॉइंट। आप देखिएगा यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है सभी को। अब इसके अंदर पे कहीं पर आपका फिक्स्ड ओवरहेड आता है, कहीं पर ओवरहेड आता है, कहीं पर फिक्स्ड कॉस्ट आता है, कहीं पर वेरियंस आता है, कहीं पर आपका अलग अलग जो वर्ड्स इसके अंदर आते हैं उसको आपको डेप्थ में स्टडी करनी है। ठीक है ना, कि किसमें आपका ओवरहेड आता है, किसमें फिक्स ओवरहेड लेते हैं हम लोग, किसमें वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, किसमें हम लोग लेबर के एक्सपेंसेस को देखते हैं, किसमें डायरेक्ट कॉस्ट को देखते हैं, किसमें इनडायरेक्ट को देखते हैं, वो आपको डेप्थ में स्टडी करना है। ठीक है, हाँ जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हमारा फ्राइडे है ना, कल तो मैं ऑडिटिंग करवाऊंगी आपको, कल का जो मेरा क्लास होगा ना, कल हम लोग ऑडिटिंग करेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग अब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो इनपुट टू आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। यानी कि मैंने इस पेन को जो रॉ मटेरियल है वो मैंने डाला, रॉ मटेरियल मैंने डाला और उससे मेरा आउटपुट जो है यहां पर पेन निकल कर आया। इनपुट में मैंने जो यहां पर इंक डाला, मैंने आपका प्लास्टिक डाला, मैंने यहां पर आपका फाइबर डाला, ये सब मैंने इनपुट में डाला और एंड में क्या निकल कर आया, मेरे पास ये पेन निकल कर आ गया। अब इसके बीच में हुआ क्या, हाँ इसके बीच में हुआ क्या, इसके बीच में हुआ प्रोसेस, यानी इनपुट से चीजें आउटपुट में कन्वर्ट हुई, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, कन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये जो कन्वर्जन हुआ ना, इनपुट से आउटपुट में जो चीजें प्रोसेस हुई, जो कन्वर्ट हुई, तो इसके बीच में भी तो खर्चा होता है, फ्री का तो कुछ नहीं होता है बाबा, सब चीज में तो आपका खर्चा होता है। तो जब इनपुट से आउटपुट में कोई चीजें जा रही है और बीच में जो आपका प्रोसेस हो रहा है उसमें भी आपका होता है खर्चा, और इसको डिटरमाइंड जब करना होता है तो इसको कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर है, प्रोडक्ट को बनाने में प्रोसेस हुई उसकी एवरी स्टेज की कॉस्ट। बिल्कुल, कॉस्ट कंट्रोल के मेनली आपके दो मेथड होते हैं, एक आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट, हाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट भी जो होता है ये बहुत सारे टाइप्स का होता है, वो मेरा यहाँ पर छूट गया, आप लोग देख लीजिएगा। एक होता है आइडियल स्टैंडर्ड, एक होता है आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आप लोग टाइप्स थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो यहाँ पर आपका छूटा हुआ है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी अलग अलग टाइप, जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो कौन सा स्टैंडर्ड को आप सेट करते हैं आपको यहाँ पर चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक स्टेज में कितना आपका खर्चा हो रहा है प्रोसेस करने में, इसको आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आइएगा आप हम लोग रीड करते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो होता है यह एक मेथड होता है जहां पर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, असर्टेन करते हैं, यानी कि उसका हम लोग फिक्स करते हैं। और इस मेथड में गुड्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली एंड आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्रोसेस कॉस्टिंग जो होता है, प्रोसेस की जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यू आपके चलते रहती है, एक से दूसरा गुड्स, एक से दूसरा गुड्स, ये आपका कंटिन्यू क्या होता है, होते रहता है। यहाँ पे इनपुट से आउटपुट पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जो होता है और इनपुट से आउटपुट पर ट्रांसफर होने का मतलब क्या हुआ, कि जो आउटपुट हुआ इसको हम लोग कहते हैं फिनिश गुड्स। तो जब आपका फिनिश प्रोडक्ट जो बनता है, तो फिनिश प्रोडक्ट जब बन जाता है तो वो हमारा लास्ट स्टेप होता है। जब इनपुट हम लोग डालते हैं तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप से, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप जाने तक बीच में जो भी चीजें होती हैं उसमें जो भी आपका खर्चा होता है उसको मेजर करने का काम जो होता है वो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में देखते हैं। यह मेथड जो होता है ये कहाँ पे जनरली यूज होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जनरली आपका देखा जाता है यूज करने के लिए, या फिर माइनिंग इंडस्ट्री में इसको देखा जाता है, क्योंकि ये सब ऐसे कि आपका पेट्रोल आपका कैसे बना, ठीक है, उसके बाद गोल्ड, कोल, मिनरल्स, ये सब कैसे, ये सब प्रोसेस होके ही हमारे पास आते हैं। ठीक है, उसके बाद सीमेंट हो गया, लेदर हो गया, कॉस्मेटिक गुड्स हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, पेंट हो गया, ये सब हमारे जो होंगे इसमें आपका प्रोसेस कॉस्टिंग देखा जाता है कि प्रोसेस होने में इसमें खर्चा कितना होता है।
तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो होता है यूज होता है, और जहां पर आपकी लार्ज क्वांटिटी होती है ना वहां पर इसको हम लोग यूज करते हैं, एक दो में नहीं, जहां पर लार्ज बल्क में सामान मिलता है। और एक चीज याद रखना, जहां पर आपके होमोजीनियस काइंड्स ऑफ गुड्स होते हैं। कैसे गुड्स होते हैं? होमोजीनियस काइंड्स ऑफ गुड्स होते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना वो एक जैसा वस्तु बन रहा है, सीमेंट हो गया एक जैसा, स्टील हो गया एक जैसा, पेंट बन रहा है, तो वहां पर ये प्रोसेस कॉस्टिंग जो होता है वो हमारा यूज होता है, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग फेजेस में क्या होता है वो आपका पास होता है। मुझे होमवर्क नहीं आ रहा आप लोग का, सिर्फ एक जोशुआ का होमवर्क मेरे को रेगुलर मिल रहा है, बाकी आप लोग में से किसी का होमवर्क मेरे को नहीं मिल रहा है। अगर नहीं करना है होमवर्क तो फिर मैं होमवर्क देना बंद कर देती हूँ, ठीक है। प्लीज आप लोग होमवर्क कीजिए, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल लूं आपका डायमंड का, तो डायमंड आप देखते हो कि जमीन से निकलता है। मैंने डायमंड का, मैं डायमंड के खदान में गई थी तो मैंने देखा कि डायमंड कैसे होता है। हम लोग जो डायमंड देखते हैं ना कि बहुत चमक रहा है आपका, तो वो आपका डायमंड है, लेकिन एक्चुअली में डायमंड जो निकलता है उसमें चमक नहीं होती है, वो एकदम मतलब कि पत्थर की तरह आपको दिखेगा। बाद में उसको पॉलिश करके तब चमकाया जाता है, उतना चमक जितना चमक हम लोग नॉर्मली जो देखते हैं मूवी में, या फिर जो भी मेरी अंगूठी भी मैंने पहनी छोटी सी यहाँ भी है, तो इसमें जो दिखता है जो चमक ना, एक्चुअली में इतना चमक नहीं होता है। उसको जमीन से खोदते हैं, फिर पूरा ईट गिट जो आपका ईट निकलता है उसको एक मशीन आता है जो पूरा तोड़ता है, उसको तोड़ने के बाद फिर उसको कम से कम 4-5 वहां पर फिल्टर वाले मशीन होते हैं, क्योंकि डायमंड जो होते हैं एकदम स्मॉल स्मॉल एकदम स्मॉल स्मॉल होते हैं, तो उसको फिल्टर करते 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 बहुत ज्यादा जब प्रोसेस होगा तब जाके छोटा छोटा एक या दो डायमंड आपका वहां पर निकलेगा। उसमें भी जो आपका डायमंड का साइज बड़ा होता है तो उसका आपका देखिएगा बड़ा टाइप का अंगूठी वगैरह या फिर आपका कुछ बन जाता है। और जो आपका ये बारूद टाइप का निकलता है ना एकदम, जैसे कि हम लोग इसे कैसे होता है कि पेंसिल से लिखते हैं तो कैसा बारू टाइप का निकलता है, तो वैसा जब आपका जो डायमंड होता है ना उसमें उसको क्या करते हैं कि उसको भी अंगूठी देखेगा कि कोई ऐसा भी अंगूठी आता है जिसमें सिर्फ आपका जो होता है ना स्टोन नहीं होता है, उसमें वो खाली चमकता है, तो उसमें वो वाला यूज करते हैं। या डायमंड का जब कटिंग होता है ना तो वहां से भी आपका जो होता है कुछ आपका वेस्टेज निकलता है, तो वो वेस्टेज का भी यूज किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस में आपका अच्छा खासा खर्च होता है। पन्ना, पन्ना आप लोगों ने सुना होगा, पन्ना में जो डायमंड है उसका खदान है। मेरे मामा जी वहां पर जॉब करते थे तो पन्ना में जॉब करते, तो वो एक बार खदान लेकर गए थे जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वहां पे पूरा देखा था प्रोसेस के कैसे होके निकलता, फिर एक प्लेट में आके वो 2-4 आपका जो है वहां पे रखा रहता, ठीक है। माइनिंग इंडस्ट्री आपका ये हो गया, गोल्ड हो गया, कोल हो गया, मिनरल हो गया। अब आगे आते हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का ये आपका फॉर्मेट है। इधर आपका जो भी डायरेक्ट मटेरियल होगा, वेजेस होगा, एक्सपेंसेस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ये सब आपका जाएगा इस तरफ टू के तरफ, और जो भी आपका ये होगा वेस्टेज होगा, प्रोसेस होगा, कॉस्ट पर यूनिट, ये सब आपका जाएगा बाय की तरफ। तो ये इसका फॉर्मेट होता है, इसको भी बस एक बार नजर में रख लीजिएगा, ठीक है। आज का होमवर्क क्या है, क्लासेस को ध्यान से देखिए, और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, मैं बार बार बोलती हूँ होमवर्क आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो आपको पढ़ना है, और उसके डेप्थ में जितना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओवरहेड सब दिया गया है उसको आपको डेप्थ में पढ़ना है। और जो मैं पढ़ाती हूँ उसको पढ़ा उसको पढ़ के आपको छोड़ना थोड़ी है, कॉपी नोट्स निकाल कर उसको और डेप्थ में आपको जाना है, ठीक है। अब आइएगा प्रोसेस कॉस्टिंग का आपका डिमेरिट क्या होता है, कि यहाँ पर जो भी आपका इनएफिशियंसी होती है ना, या जो भी आपका वीकनेस होता है वो आपका वहां पर डिस्क्लोज नहीं करते, कि प्रोसेस कॉस्टिंग में कहाँ पर कमी आ रही है या कौन सा एरिया वीक है वो आपको समझ में नहीं आता है। यहाँ पर हम लोग एक्यूरेट कॉस्ट जो होगा कि एक वस्तु को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, एक्चुअली में ये समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने डायमंड का एग्जांपल आपको दिया, तो वहां पर अगर आप ये बोलोगे कि 10 सेंट आपका डायमंड हो गया, या एक डायमंड को बनाने में कितना प्रोसेस कॉस्टिंग हो रहा है, तो वो आप पर्टिकुलर एक यूनिट का नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। ये आपका ओवरऑल ही यहाँ पे निकलता है, तो पर यूनिट जो होगा वो वहां पर हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, और ये आपका मे बी मिसलीड आपको कर सकता है। उसके बाद जो भी आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोसेस अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। जो भी एक्सेसिव मटेरियल और लेबर जो होता है वो हमारा वहां पर डिस्क्लोज नहीं होता है, कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो भी चीजें हम लगा रहे हैं, मटेरियल लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, अपना मैन पावर लगा रहे हैं, अपना मशीन लगा रहे हैं, तो वहां पर कौन सा यूजलेस है, वहां पर हम लोग कॉस्ट कटिंग कहाँ पर कर सकते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये हमारा डिमेरिट होता है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग में। स्पेशली जो डिमेरिट होता है कि इनएफिशिएंसी पता नहीं चलती है, और पर यूनिट का जो प्राइस है वो हमें पता नहीं चलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एमपी में है पन्ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका मेरिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका बहुत ईजी होता है, और उसका जो एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना।
एवरेज कॉस्ट जो होता है आपका, उसको हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि हाँ मोटा मोटी जो है आपका टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, उसमें से हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, लेकिन एडिशनल कॉस्ट का पता नहीं चलता है। एवरेज कॉस्ट का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, लेकिन हमें एडिशनल कॉस्ट का जो पता होता है वो हमारा एग्जैक्ट पता हमें नहीं चल पाता है। और यहाँ पे जो होमोजीनियस गुड्स होते हैं वही आपके प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में कहा। उसके बाद सॉरी एक सेकेंड चलिएगा, कुछ वो इंसेक्ट आ गया था, पता नहीं क्या अचानक से आ गया था। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ तो यहाँ पर क्या होता है कि पेरियोडिकली जो होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो भी यहाँ पर हमारे जो चीजें इफेक्टिव कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा सा होता है, इजिली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोसेस करना जो होता है वह हमारा काम होता है, प्रोसेस का जो काम होता है या आपका इंटरनल काम होता है, तो इंटरनल जो भी चीजें हो रही है उसको कंट्रोल करना क्या होता है हमारा, इजी हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, जिसको कि हम लोग एबीसी बोलते हैं। एबीसी कॉस्टिंग हमारी क्या होती है कि यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि जो भी आपकी वस्तु जो प्रोड्यूस होती है, तो कोई भी वस्तु जब आपकी प्रोड्यूस होती है तो वहां पर, ठीक है हाँ यस यस सब कुछ ठीक है ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे माइग्रेन का इश्यू है, तो वो हेडेक पकड़ लेता है, तो वो जो हेडेक पकड़ता है ना एक दिन, तो उसके बाद वो 2 दिन तक हेडेक रहता है। काफी डॉक्टर को भी मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि कोई इसका मतलब दवा नहीं है, जस्ट प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेगा कि आपको ट्रिगर ना करे हेडेक। तो कल जो हेडेक हुआ, क्योंकि एक्चुअली मैं 2 दिन तक सो नहीं पाई, तो उसके वजह से मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया। अब वो क्लास लेने के बाद ऐसा हेडेक हुआ कि मतलब मैं आईसी ओपन नहीं कर पा रही थी, इसलिए कल का मैं क्लास आपका नहीं ले पाई, बट आज का मैं क्लास लूंगी। अभी भी है पेन बट बियरेबल है, कल अनबियरेबल पेन था, ठीक है। अब वो 2 दिन तक पेन रहेगा ही, मैं भी मेंटली प्रिपेयर हूं कि 2 दिन मुझे बर्दाश्त करना ही है। कितना दवा खाएंगे, दवा खाएंगे तो बाद में वो भी रजिस्ट कर जाएगा आपका, ठीक है आ जाओ। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि आपका जब कोई वस्तु आप बना रहे हो, ठीक है ना, हाँ जब आप कोई वस्तु बना रहे हो, तो जब वस्तु बना रहे हो तो वहां पर अलग अलग आपकी क्या होती है, अलग अलग स्टेज में आपकी अलग अलग काम होती है। तो यहां पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बनाने पर आप कहां कहां पर कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो उस पर कितना खर्चा हो रहा है, आप उस पर फोकस कीजिए और उसकी मुझे कॉस्टिंग बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने रॉ मटेरियल लेकर आया, मैंने रॉ मटेरियल कितना का लेकर आया, फिर मैंने उस चीज को बनाया, प्रोसेस करने में हमारा कितना खर्चा हुआ, फिर मैंने उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखा उसमें मेरा कितना खर्चा हुआ। मतलब एक बिजनेस, एक वस्तु को आउटपुट रिजल्ट आने के लिए, एक वस्तु को प्रोड्यूस करने में जो भी चीजें आपके खर्चा आपकी खर्ची हो खर्च हो रहा है ना, वो सभी को आप क्या कीजिए कि आप उसको मेंटेन कीजिए, उसको अकाउंटिंग को लिखिए और हर एक एक्टिविटी को लिखिए। उसके बाद आप ये देखिए कि कहां पर आपने क्या खर्चा किया है और कौन सा खर्चा किया, कहां पर आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। नॉर्मली जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसका मोटो सबसे पहले एक ही मोटो होता है कि कॉस्ट को क्या करना, कंट्रोल करना, क्या करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कि किस तरीके से हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए या किस तरीके से हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होती है ना, इस फील्ड में सबसे बेस्ट कॉस्टिंग जो होती है वो आपकी मानी जाती है कि जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं एक वस्तु को बनाने में, आप उसको देखिए पहले तो सारी एक्टिविटी जो है उसको आप क्या कीजिए, ट्रेस कीजिए, उसके बाद उसको बैठिए और आप एनालाइज। जैसे कि आपको मैं बार बार आपको मैंने बोला, आप जब एग्जाम देकर आए थे और जब आपका रिजल्ट आउट हुआ तो वहां पर आपके 150 क्वेश्चन थे, जब 150 क्वेश्चन आपने एनालाइज किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कौन से एरिया से आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। कुछ बच्चों के मेरे को मैसेज है कि मैम बिजनेस फाइनेंस का जो है न्यूमेरिकल कराइएगा, बिजनेस फाइनेंस पहले करवाइए, मतलब उनका वो वीक एरिया है उनको समझ में आ गया। तो जब आप एग्जाम देकर आते हो तो वो आपकी एक चीज हो गई, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वो एक चीज हो गई। तो वहां पर जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, फिर आप क्या करते हो, उसका एनालाइज करते हो कि कहां कहां पर आपने क्या गलती की। आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन आते हुए गलती हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, आप एग्जाम में पैनिक कर गए थे, आपकी रात में नींद कंप्लीट नहीं होती, एग्जाम में आपको नींद आ गई,
या फिर आप दिमाग आपका माइंड जो है वो दिमाग आपका एग्जाम में हैंग कर गया, क्वेश्चन को पढ़ने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा था, ये सब एक्टिविटी वहां से आपकी निकल कर आएगी। तो ये सब एक्टिविटी को जब आप टेस्ट करोगे तो फिर वहां पर आपको समझ में आएगा कि कौन सी एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको मैंने बोला भी था कि आप जब एग्जाम देकर आए हो ना, अपने एक्सपीरियंस आप डायरी में लिखो, आपका जब यहाँ पर रिजल्ट आया आप उसका एक्सपीरियंस डायरी में लिखो, तो आपको कल को समझ में आएगा कि प्रीवियस एग्जाम में आपने क्या गलती की थी और नेक्स्ट एग्जाम में आप उस गलती को क्या कर सकते हो कि रोक सकते हो। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, क्लियर है। तो यहां पर उसको आपको क्या करना है कि ट्रेस्ट करना है। सीआईएमए ने क्या बोला था, सीआईएमए ने क्या बोला, किसने क्या बोला, वो उसका नाम जरूरत नहीं है, खाली मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होती है वो कॉस्ट एट्रीब्यूशन होती है कॉस्ट यूनिट की ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द इनडायरेक्ट एक्टिविटीज। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ना आपका इनडायरेक्ट एक्टिविटीज, यहाँ पर आपको क्या करना है कि वो सारा कुछ आपको मेजर करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपका जो कॉस्टिंग का जो प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग होता है उसको क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको आपको प्रोवाइड करना है डिसीजन मेक करने डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद जो भी आपके इफिशियंसी होती है उसको आपको क्या करना है, इनकरेज करना है, और जो नॉन एसेंशियल यूज है, जो भी आपको लग रहा है कि वो एक्टिविटी आपने गलत की है उसको आपको रिड्यूस करना है। आपको याद होगा कि क्या नाम था उनका, मैनेजमेंट में किनका नाम हम लोग पढ़ते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, एफ डब्ल्यू टेलर साहब ने ही ये बोला था। उन्होंने दो तरीके का बोला था, अगर आपको याद होगा कि उन्होंने एक मोशन स्टडी बताया था। मोशन स्टडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एफ डब्ल्यू टेलर साहब ने ही दिया था ना, मुझे बताइएगा एक बार। हाँ जी, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मोशन स्टडी जो है इसका कॉन्सेप्ट एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था ना। तो अगर आप लोगों ने मोशन स्टडी पढ़ा होगा, मैंने उस चीज को पढ़ा था, मुझे याद है 11th में मैंने उस चीज को पढ़ा था, 11th या 12th में, मोशन स्टडी के बारे में। और उसके बाद से आज तक मैं उसको देख रही हूँ और मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ और इवन मैं उसको फॉलो भी कर रही हूँ। ठीक है, मोशन स्टडी में टेलर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जब भी आप कोई काम करते हो तो आप उसमें देखो कि आप उसमें कितनी एक्टिविटीज कर रहे हो, कितना आपका बॉडी मूव कर रहा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे अभी तक याद है, कि जब कोई एक घर बनता है तो कोई जो एक मिस्त्री होता है जब वो ईंट लगाता है तो ईंट लगाने के समय वो कितनी एक्टिविटी करता है, पहले ईंट को उठाता है, यहां रखता है, फिर उसको नापता है, फिर नीचे रखता है, फिर उसको लगाता है, फिर ऊपर सीमेंट लगाता है, जो भी आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसने बोला कि उसने एक ईटा को लगाने के लिए कम से कम 10 मूवमेंट किया है, 10 मूवमेंट, और ये 10 मूवमेंट नेसेसरी नहीं थी, 7 मूवमेंट के अंदर वो ईटा को लगा सकता था, यानी उसने 3 मूवमेंट जो है वो अननेसेसरी किया है। क्या इस 3 मूवमेंट के अंदर में उसका एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ? तो इस एनर्जी की स्टडी करना, इस मूवमेंट की स्टडी करना ही हमारा मोशन स्टडी कहलाता है। और उसके बाद जब मैंने उस चीज को अप्लाई करना शुरू किया, ठीक है, तो मैंने देखा कि यस, एक काम को करने में हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप लोग घर साफ करते हैं, या फिर मैं भी जब घर साफ करती हूँ तब मैंने इसको देखा कि जब मैं जब घर साफ करती हूँ ना, तो कुछ मेरे को कोई सामान मिला तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मान लो कोई आइटम ऐसा है जो कि मेरे बेड पे जाएगा तो मैं उसको उठा के बेड पे रख देती हूँ। कुछ ऐसा आइटम होता है कि जो कि डस्टबिन में जाएगा तो मैं उठा के उसको डस्टबिन में डालती हूँ। कुछ आइटम ऐसा होता है कि जो कि आपका ये जाएगा ड्रेसिंग टेबल में जाएगा तो मैं उसको उठा के ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ। ये खुद मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। तो ये सब जो एक्टिविटी है, ये सब में मेरा जाने आने में उठने में मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक मैंने क्या निकाला कि मुझे जो चीज जहां जैसे करना है उसको मैंने 3 भाग में अलग अलग रख दिया कि ये डस्टबिन में जाएगा इसको अलग प्लास्टिक में, ये बेड पे जाएगा अलग प्लास्टिक में, और ये इसमें जाएगा अलग प्लास्टिक में। अब क्या करती हूँ कि मैं सब बैठ कर एक साथ कर लेती हूँ, उसके जब बाद में जब उठती हूँ ना तो तीनों को हाथ में लेके उठती हूँ, एक बेड पे डालती हूँ, एक ड्रेसिंग टेबल पे डालती हूँ और एक डस्टबिन में डालती हूँ। इस चीज को मैंने खुद अपने लाइफ में अडॉप्ट किया है। तो यही हमारी मोशन स्टडी जो है एफ डब्ल्यू टेलर साहब ने कहा था, और यही आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी है, जहां पर ये देखा जाता है कि कौन सा ऐसा यूज था जो कि नॉन एसेंशियल था, जो कि आपके लिए जरूरी नहीं था, फिर भी आपने वो चीज को किया, वहां पर या तो आपका पैसा गया या तो वहां पर आपका समय गया, और दोनों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या कीजिए, आप रिड्यूस कीजिए। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। ये चीज आप लोग भी देखना कि आप एक काम को करने में कितना एनर्जी हो जो होता है कितना वेस्ट करते हो। मैं तो अपना काम एक साथ रखती हूँ, एक बार मुड़ती हूँ सारा काम, दन 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 कंप्लीट करती हूँ, फिर आकर बैठती हूँ, फिर अपना एक काम करती हूँ।
ठीक है, आप लोग भी इसको यूज कीजिएगा और देखिएगा कि इसका बेनिफिट आप लोग को भी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसका आपका जो स्टेप्स होता है, एक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले हमारे को कितना कॉस्ट एलोकेट किया गया उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कॉस्ट का पुल कितना है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद सेट ऑफ कॉस्ट पुल जो है आपका कितना क्लोजली या गुड्स सर्विस को लेकर प्रोडक्शन में कितना उसको अलाइन किया गया वो देखते हैं, फिर डेटा कलेक्शन सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारा जो एलोकेट जो सेकेंडरी पुल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं एलोकेट करते हैं, और उसके बाद हमारा ईच प्राइमरी कॉस्ट जो होता है उसको हम लोग ड्राइवर को एलोकेट करते हैं देखते हैं, और लास्ट में हम लोग जो एबीसी सिस्टम जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये हमारा स्टेप है, इसका साइज बहुत छोटा हो गया, आई नो आप लोग को नहीं दिख पा रहा है, इसलिए मैं इसको अभी पार कर दे रही हूँ, बाद में फिर से मैं आपको एक अलग क्लास में बता दूंगी, ठीक है ना। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है ये देख लीजिएगा, कॉस्ट पुल टोटल और कॉस्ट ड्राइवर। अब कॉस्ट पुल टोटल क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। ये इसका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या है आपका फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग काइजन। काइजन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपको धीरे 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 होले 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 क्या करना है कि चीजों में इंप्रूवमेंट करना है। कल आपने कुछ अच्छा किया, कल आपने जो एक चैप्टर को कंप्लीट किया, आज आप जो है एक टॉपिक को और कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद आप और जो है एक टॉपिक को एक सब टॉपिक को कंप्लीट करोगे। अगर आप आज बैठ गए और अगर कोई फ्रेशर वाला बच्चा है ना, कोई जो तैयारी अभी शुरू कर रहा है, अगर वो यूजीसी नेट का सिलेबस पेपर वन पेपर टू का अगर एक बार में लेकर बैठ गया ना, तो वो तो तैयारी करना ही पहले छोड़ देगा, बोलेगा भाई हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। लेकिन यहां पर क्या है कि धीरे 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 जब हम पढ़ना शुरू करते हैं इंप्रूवमेंट होता है, इंप्रूवमेंट होता है, इंप्रूवमेंट होता है। काइजन कॉस्टिंग भी यही होता है। काइजन जो एक आपका वर्ड है, जैपनीज वर्ड है, जो आपका काई और जेन से मिलकर बना है, इसका मतलब क्या होता है कि बेटरमेंट के लिए आप क्या कीजिए, इंप्रूवमेंट कीजिए। ऑलवेज जो है अपना बेस्ट जो है वो कीजिए, लेकिन आप अचानक से नहीं कर सकते हैं, उसको आपको धीरे धीरे करना होगा। जहां जहां भी चेंजेस की जरूरत है वहां वहां पर चेंज कीजिए, और ये जो चेंज होना चाहिए ये गुड होना चाहिए, मतलब कि आपका पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। अब बोलोगे कल तो हम मैम पढ़े थे, आज तो हम घूमने जाएंगे, आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो भैया इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आपने कि कल आपने ठीक है एक बड़ा चैप्टर पढ़ा, आज एक छोटा चैप्टर पढ़ लो, आज आपको पढ़ने का मन नहीं है, आप रिविजन कर लो, आज आपको याद नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप मैथ सॉल्व कर लो, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम से क्या करो कि बेड पे सो जाओ, मेरा यूट्यूब पर वीडियो ऑन कर दो, मोबाइल को उल्टा रख दो, सो जाओ, देखने की जरूरत नहीं है, कान में सुनते रहो। जब मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे याद है कि मुझे एक बार टाइफाइड हुआ था, लगभग मैं डेढ़ महीना बेड पे थी, इतना वीकनेस था कि बेड से मैं उठ नहीं पा रही थी, लेकिन वो डेढ़ महीना मेरा वेस्ट नहीं गया, उस डेढ़ महीने का मुझे अखड़ नहीं हुआ, क्योंकि उस डेढ़ महीने में मैंने पढ़ाई बहुत अधिक कर ली थी। मुझे पता कि मैं उठ नहीं सकती हूँ, मैं सोए रहूंगी, तो जब भी मेरा मन कर रहा था मैं क्या कर रही थी कि बुक से पढ़ रही थी, जब मन कर रहा था मोबाइल में प्ले कर दे रही थी वीडियो या ऑडियो, वीडियो आपका स्टार्ट कर देती थी जो टॉपिक पढ़ना है आपका, और मोबाइल को उल्टा करके रख देती थी बगल में, और कार में जाता था हमारा। तो आपको टाइम को कैसे यूज करना है ये आपको देखना है। तो काइजन कॉस्टिंग यही कहता है कि आप इंप्रूवमेंट कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, इंक्रीमेंटल चेंजेस कीजिए। क्या कीजिए? स्मॉल और इंक्रीमेंटल चेंजेस कीजिए। और ये जो ये काइजन कॉस्टिंग हो जो होती है, ये आपका कहां पर होती है? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये आपको देखने को मिलती है। काइजन के ऊपर मैंने पूरा एक लंबा चौड़ा वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। कुछ और चीज है जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, वो मैं आपको आज बताऊंगी, इसके स्टेप्स कि काइजन कॉस्टिंग जो होता है हम लोग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट का टारगेट करते हैं, एक सेट कर लेते हैं कि हमारा क्या काम होगा, क्या काम होना चाहिए, और उसके बीच में हमारा गैप क्या है। कि मैंने सेट कर लिया कि ये काम मुझे इस महीने में 10 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, लेकिन मेरा 2 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 8 यूनिट का जो प्रोडक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या मेरी गलती थी, गलती मुझे समझ में आ गई, तो अब मैं क्या करूंगी। मैंने टारगेट सेट कर लिया, अब उस टारगेट को मैं अचीव करने के लिए थोड़ा 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 काम करूंगी। अगर 10 का मेरा टारगेट था और 2 ही यूनिट मेरा काम हो पाया और 8 नहीं हो पाया, तो ये 8 के मल्टीपल रीजंस है। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है ना, थोड़े थोड़े मार्क्स से, मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे क्लास में जो कि थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गए, तो अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आप देखिए कि आपका गैप कहाँ है, क्यों आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। इसके आपको 4 से 5 रीजन मिल जाएंगे। हर दिन आप एक रीजन पर काम करो। आपको टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है, मॉक टेस्ट पर काम करो। आपको क्वेश्चन रीडिंग रीड करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन रीड करो, जितना हो सके उतना आप रीडिंग हैबिट को डेवलप करो। यानी धीरे धीरे आपको क्या करना है, टारगेट को अचीव करना है। कैसे? धीरे धीरे, होले होले। कॉस्ट रिडक्शन जो है आपको, स्मॉलर रिडक्शन आपको वहां पर करना है। डे टू डे का जो भी आपका एक्टिविटी होगा उस पर आपको चीजों को अप्लाई करना है। ईच एक्टिविटी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसको एस्टिमेट करना है,
और फाइनली रिसोर्स जो होगा वो आपका वहां पर एलोकेट कर दिया जाएगा। तो काइजन कॉस्टिंग के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपका जो भी आपकी किस तरीके से आप बिजनेस को और ऊपर लेकर जा सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस में और प्रॉफिट आपका हो सकता है, उस चीज को अचीव करने के लिए या जो भी आपका टारगेट छूट जा रहा है या जो भी गैप है उसको अचीव करने के लिए धीरे 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 आप रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप लेते हो और इम्प्रूवमेंट करते हो, इसी को हम लोग कहते हैं काइजन कॉस्टिंग। सबसे पहले टेक्निक किसने अपनाई थी? हाँ जी, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ना कि सबसे पहले ये टेक्निक किसने अपनाई थी, कौन सी कंपनी ने, मैंने आपको ये पढ़ाया है मेरे ख्याल से काइजन कॉस्टिंग के बारे में। आगे आते हैं जीआईटी जस्ट इन टाइम अप्रोच। जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या बोलता है कि हम लोग जब, क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने कि हम लोग को जब जूस पीना होता है, जूस वाले दुकान पर जाते हैं, वो तुरंत हमें गन्ने का जूस हुआ, मौसम्मी का जूस हुआ, अनार का जूस हुआ, तुरंत वो हमारे सामने पेरता है और पेर के वो हमें ग्लास में देता है और हम पी लेते हैं। जूस के केस में ऐसा कभी नहीं होता है कि हम दुकान पर गए और वो दुकान में जूस निकाल कर रखा हुआ है और वो जूस हम लोगों ने पी लिया। मैंने तो ऐसा कभी जूस नहीं पिया। अब आप बोलोगे मैम रियल का जूस आता है, तो भाई वो आपका जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, पैक्ड आइटम आपको नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो जूस का एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम लोग जूस जनरली पीते हैं 50 रुपए ग्लास, 70 रुपए ग्लास, जो भी आप लोग पीते हैं, वही आपका जस्ट इन टाइम अप्रोच है कि जब भी आपको माल की जरूरत हो, जब भी आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो ये जीआईटी अप्रोच कहता है कि आपको स्टॉक नहीं रखना है। वो बोलता है कि अगर कुछ स्टॉक आप रखते हो तो उस पर आपका फालतू का खर्चा होता है, मेंटेनेंस खर्चा होता है, रेंट जाता है, इंप्लॉय की सैलरी जाती है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो परचेस किया उसका प्राइस भी वहां पर जाता है, समय के साथ साथ वो आपका आउटडेटेड भी आपका हो जाता है। तो आप जब स्टॉक रखते हो तो ये 5 प्रॉब्लम्स वहां पर निकलकर सामने आती है। कौन कौन से 5 प्रॉब्लम? समय के साथ आपका जो स्टॉक होता है, हो सकता है कि वो मॉडर्न ना हो, अपडेटेड ना हो, पुराना हो गया, मार्केट वैल्यू खत्म हो गया उसका। दूसरा कि उसका क्या होता है, प्राइस वैल्यू हो सकता है कि इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज भी कर जाए, उसको रखने में भी खर्चा होता है, रेंट भी उसका देना पड़ता है। अब सामान आपने रखा तो एम्प्लॉय को भी वहां पे रखना पड़ेगा, उसका भी आपका खर्चा होता है, और आपने जो स्टॉक रखा है तो उस स्टॉक को खरीदने में आपने माल भी तो फंसाया है, पैसा भी तो फंसाया है। जब कोई सामान खरीदते हो तो पैसा भी तो वहां पर देते हो, पैसा भी, पूंजी भी आपका वहां पे फंसा हुआ है। तो ये सबका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जीआईटी टेक्निक को अपनाइए, और जीआईटी टेक्निक को अपनाकर वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जीआईटी टेक्निक को अपनाकर वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपना ये जितना भी खर्चा है उसको बचा सकता है। ये कहता है कि जब आपके पास ऑर्डर आया, कि मेरे पास ऑर्डर आया कि भैया मेरे को 10 मोबाइल चाहिए, मेरे को किसी ने ऑर्डर किया प्रियंका मैम 10 मोबाइल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास स्टॉक नहीं है, अब मेरे को मेरे मोबाइल के लिए क्या चाहिए, मेरे मोबाइल के लिए मेरे को कैमरा चाहिए, स्क्रीन चाहिए, स्पीकर चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए। अब मैं अपने सप्लायर को फोन करूंगी, हेलो सुनो भाइयों, मेरे को भेजो कैमरा, भेजो मेरे को स्क्रीन, भेजो मेरे को मदरबोर्ड, भेजो, वो सब मुझे भेजेंगे, मैं बनाना शुरू करूंगी और उनको डिलीवर कर दूंगी। तो यही होता है हमारा जेआईटी अप्रोच कि आपको जो भी काम करना है वो जस्ट इन टाइम करना है। अब आ जाओ बुक के लैंग्वेज में कि सफिशियंट एफर्ट आपको करना है, रिड्यूस द साइज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का साइज जो है वो आपको रिड्यूस करना होगा, वर्किंग कैपिटल जो आप लगा रहे हो उसको रिड्यूस करने के लिए है। ये अप्रोच भी जो है आपका जापान में डेवलप किया गया था, टोयोटा कंपनी ने सबसे पहले इसको फॉलो किया, जीआईटी टेक्निक को सबसे पहले टोयोटा कंपनी ने फॉलो किया था। ये कहता है जीआईटी अप्रोच कि आपको इन्वेंट्री रखने का जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल रखने का जरूरत नहीं है, जब भी आपको वस्तु की जरूरत हो तब उसको क्या कीजिए, मंगवाइए। लेकिन ये अप्रोच अच्छी बात है, ये अप्रोच को अप्लाई करना भी चाहिए, लेकिन जब आपका बहुत बड़ा कंपनी हो, जब आपका डिमांड बहुत ज्यादा हो, तब इस टेक्निक को अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका रोज का सेलिंग है 100, 200 रोज का आपका सेलिंग है, तो आप बार बार कॉल करोगे मंगाओगे, कॉल करोगे मंगाओगे, तो वो अगर टाइम पर आपको डिलीवर नहीं दे पाएगा, सप्लायर जो है वो टाइम पर आपको जो है रॉ नहीं दे पाएगा, तो आप आगे कैसे बना के मोबाइल सप्लाई करोगे, तो आपका डिलीवरी में लेट हो सकता है, आपका हो सकता है कि मार्केट में गुडविल खराब हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो जल्दी इस टेक्निक को नहीं अपनाती है, ठीक है, जहां पर आपका डिमांड बहुत ज्यादा हो। लेकिन जहां पर डिमांड आपका लिमिटेड हो, एक आपका फिक्स्ड काइंड ऑफ डिमांड हो कि हाँ महीने में इतना ही डिमांड आना है, या फिर आपका जहां पर आपका मार्केट जब आपका बहुत स्लो डाउन हो गया हो, तब इस टेक्निक को यहाँ पर अपनाया जाता है, और ये टेक्निक आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही आपकी होती है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, सभी को बताइए ना क्लियर है, जेआईटी अप्रोच क्लियर है,
जेटी अप्रोच और काइजन अप्रोच को मैंने बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया, बस आपको मैंने मीनिंग और कॉन्सेप्ट बता दिया, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि इस दोनों पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब कोई और ऐसा कॉस्टिंग है जो कि छूटा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी आपको शॉर्ट वीडियो है प्रोवाइड करा दूंगी। मुझे याद है एक टारगेट कॉस्टिंग हमारा छूट रहा है, टारगेट कॉस्टिंग मेरे को याद है, वो मैं आपको करवा दूंगी, तो आपका पूरा ये कॉस्टिंग का जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आज आपको यही चैप्टर पढ़ना है, कल मैं आपका ऑल्टिंग कराऊंगी, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर क्लास हम लोग आज यही रखते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं। अभी कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है, आप देखिए कि नेट में पहले किसी को कुछ पता ही नहीं था, आजकल नेट में पहले बच्चे ही नहीं होते थे, आजकल इतने अधिक बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, डे बाय डे कॉम्पिटिशन आपका इंक्रीज करते जा रहा है। तो बेटर है कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर मेरा कोड दिया हुआ है PSING, इसको यूज कर सकते हैं। 13.5 महीने के बारे में अगर आप सोचेंगे तो 13.5 महीने के लिए 9,299 रुपया है। अगर आप चाहे तो EMI भी डाल सकते हैं, EMI अगर डालोगे तो महीने का 700 या 800 रुपया पड़ेगा, तो महीने का 700-800 रुपया भी आप लोग आराम से बियर कर सकते हो, देख लीजिए आपकी इच्छा। बाय बाय, टेक केयर, और हम लोग मिलते हैं अभी 10 बजे, ठीक है ना। अभी 10 बजे तो आपको पता है कि हमारा फिर से क्लास होता है, तो अभी हम लोग 10 बजे जो है फिर से यहाँ पर मिलेंगे और क्या करेंगे इसको पूरा जो है निपटाएंगे, ठीक है। 10 PM वाले क्लास में हम लोग अभी 2023 के ही क्वेश्चन करेंगे, इसका जो क्लास होगा आपका परसों होगा, ठीक है। आज जो अकाउंट्स का जो MCQ होगा वो आपका परसों होगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, और वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, हम भी क्या है फ्री टाइम में क्या करते हैं बैठ के आपके कमेंट्स को बैठ कर पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए भी कुछ रहेगा हमारे पास, है ना। वीडियो को शेयर करो, प्लेटफॉर्म पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।